खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले दोनों शूटरों की पहचान हुई। सूत्रों के मुताबिक एक का नाम मोइनुद्दीन, दूसरे का नाम अशफाक है। भगवा कुर्ता पहनकर हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्यारों की पहचान करने के लिए लखनऊ पुलिस ने 60 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली। मोइनुद्दीन और अशफाक 25 फुटेज में दिखाई दिए। 16 अक्टूबर को उद्योग कर्मी एक्सप्रेस से गुजरात से लखनऊ आए थे। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है कमलेश तिवारी के हत्यारे, लेकिन यूपी के डीजीपी ने केस सुलझाने का दावा किया। सूरत से गिरफ्तार 3 साजिशकर्ताओं ने कबूला गुनाह। गुजरात एटीएस ने सूरत से रशीद अहमद पठान, मौलवी मोहसिन और फैजान नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद लेकर पहुंची। मामले का मास्टरमाइंड रशीद यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है। कमलेश तिवारी हत्याकांड का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। मास्टरमाइंड रशीद दुबई में पाकिस्तानी शख्स की कंपनी में काम करता था, कराची का रहने वाला है उसका मालिक। कमलेश तिवारी हत्याकांड के तार यूपी और गुजरात के बाद महाराष्ट्र से भी जुड़े। महाराष्ट्र एटीएस ने नागपुर से सैयद नाम के शख्स को हिरासत में लिया। गुजरात से रशीद ने फोन कर दी थी हत्या की जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, पोरबंदर से एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। मास्टरमाइंड रशीद के मालिक के संपर्क में था संदिग्ध। यूपी के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह का दावा, 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान के कारण रची गई हत्या की साजिश। सूरत के मिठाई के डिब्बे से खुला हत्याकांड का रहस्य, डिब्बे में हथियार लेकर आए थे हत्यारे। सीसीटीवी में दिख रही महिला से भी पुलिस ने की पूछताछ, भगवा कुर्ते वाले शूटरों के साथ वीडियो में आई थी नजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कमलेश तिवारी के परिजनों से मिलेंगे। 5 कालिदास मार्ग आवास पर सुबह 11 बजे होगी मुलाकात। इस बीच कमलेश तिवारी की मां ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कमलेश की मां ने कहा कि योगी राज में बेटे की सुरक्षा कम की गई। एसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कमलेश तिवारी की हत्या पर साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर बोला हमला। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू बोले उत्तर प्रदेश बना हत्या प्रदेश। कमलेश तिवारी हत्याकांड पर बोले मनोज तिवारी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा देश देखेगा। मुंबई में शिवसेना नेता अरुण पाठक का भड़काऊ बयान, बोले कमलेश तिवारी की हत्या में शामिल 3 लोगों का सर कलम करने वाले को 1 करोड़ का इनाम देंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कल होगा मतदान। महाराष्ट्र में 288 और हरियाणा की कुल 90 सीटों पर होगी वोटिंग। महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रचार थमने के बाद रिलैक्स कर रहे नेता, दिल्ली के बंगाली मार्केट में छोले भटूरे खाते दिखे राहुल गांधी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने सिरसा की रैली में कश्मीर पर कांग्रेस की गलतियां गिनाई। महाराष्ट्र के नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो कर दिखाई ताकत, रोड शो में भारी भीड़ दिखी। मुंबई में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया, रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि राम मंदिर बनना अब सुनिश्चित है, मोदी और अमित शाह का देश में कोई विकल्प नहीं, जैसा नेतृत्व चाहिए वैसा नेतृत्व देश को मिल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और एनसीपी नेताओं पर जमकर हमला बोला, बोले कांग्रेस नेताओं के तार डी कंपनी से जुड़े हैं, इन्हें देश की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। महाराष्ट्र के नवापुर में बोले गृहमंत्री अमित शाह, अमेरिका और इसराइल के बाद भारत ऐसा तीसरा देश जो अपने जवानों के खून का बदला लेता है। बीजेपी उपाध्यक्ष अविनाश राय का बड़ा बयान, बोले फारूक उमर और मुफ्ती कश्मीरियों के नेता नहीं, वरना जनता रिहाई के लिए सड़क पर प्रदर्शन करती, आम कश्मीरी सरकार के फैसले से खुश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लेह जाएंगे, चीन और पाक सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा, श्योक नदी पर बने ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी पर बीजेपी ने उठाया सवाल, प्रियंका गांधी ने कहा दूसरों की उपलब्धियां ना झुटलाएं, अर्थव्यवस्था संभालें ना कि कॉमेडी सर्कस चलाएं। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सावरकर विरोध में पोस्टर लगाए, लोगों ने जताया विरोध। महाराष्ट्र में बीजेपी ने घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही है। एमपी के सीएम कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने कहा कांग्रेस का प्रचार तंत्र कमजोर, बीजेपी का बेहतर, बोले हमारे लिए काम के जिले हमारे किए काम से जिले के लोग वाकिफ नहीं। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर सकती हैं जेल में बंद डीके शिवकुमार से मुलाकात, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बंद है शिवकुमार। आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगी स्मृति ईरानी, पदयात्रा कर लोगों को करेंगी जागरूक, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पदयात्रा का आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की बैठक, दीपोत्सव की तैयारियों और अयोध्या फैसले के बाद हालात काबू में रखने के निर्देश दिए।
शाहजहांपुर रेप केस में पीड़ित छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। 22 अक्टूबर को मामले पर होगी सुनवाई। छात्रा पर रंगदारी मांगने का आरोप। एसआईटी कोर्ट में दाखिल करेगी रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू विधायक बोगो सिंह का अपनी ही सरकार पर हमला। बोले प्रशासन ने बाढ़ से पहले नहीं की कोई तैयारी। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पाकिस्तान की बच्ची को इलाज के लिए दिलाया वीजा। ट्विटर पर विदेश मंत्री जयशंकर का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। रोहतक में बोले परमाणु हमले के बारे में सोचा तो नक्शे से मिट जाएगा ना। महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पर बॉलीवुड हस्तियों से मिले पीएम मोदी। शाहरुख खान, आमिर खान, एकता कपूर, कंगना रनौत समेत कई दिग्गज कलाकार पहुंचे। पीएमओ में दिखा सितारों का मेला। अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ साथ नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रहे हैं मौजूद। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शाहरुख और आमिर खान साथ दिखे। दोनों ने पीएम की जमकर तारीफ की। बोले महात्मा गांधी के विचारों को प्रचारित करने की कोशिश अच्छी है। मुलाकात के बाद बॉलीवुड दिग्गजों ने की पीएम मोदी की तारीफ। चर्चा को सकारात्मक बताया। बोले गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करना जरूरी। स्वच्छता अभियान की तारीफ की। हिंदू पक्षकारों ने मुस्लिम पक्ष की ओर से सीलबंद लिफाफे में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मांगने पर जताया एतराज। सुप्रीम कोर्ट से की हलफनामा वापस लौटाने की मांग। करतारपुर साहिब की यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 8 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन। करतारपुर कॉरिडोर पर $20 की फीस हटाने को लेकर पाकिस्तान से चल रही है बात। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले सरकार जल्द निकाल लेगी समाधान। करतारपुर साहिब दर्शन के लिए $20 के जजिया टैक्स का विरोध। दिल्ली बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा सिख करतारपुर साहिब का पूरा खर्चा उठाने को तैयार। बैंक अकाउंट खोले पाकिस्तान पैसे जमा करा देंगे। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर 90 देशों के राजनयिकों को न्योता। 22 अक्टूबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बुलाया गया। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने फिर किया प्रदर्शन। सरकार और आरबीआई के विरोध में प्रदर्शन। जमकर हुई नारेबाजी। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा। दिवाली और पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ने का खतरा। यूपी के लखीमपुर खीरी में पराली जलाने पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एमसीडी की सख्त कार्रवाई। कूड़ा जलाने मलबा डालने वाले 566 लोगों पर 27 लाख तक का चालान कटा। दिल्ली पुलिस ने आप नेता स्वाति मालीवाल और उनके पति नवीन जयहिंद को धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सेल ने पत्र लिखकर दी जानकारी। दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। पिस्तौल बरामद। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से झपटमारी का मामला सामने आया जहां एक युवक से बाइक सवार बदमाश साइकिल और मोबाइल छोड़कर भाग गए। दिल्ली में बिजली कर्मचारी पर 4 बदमाशों ने की लूटपाट। विरोध करने पर चाकू से हमला किया। दिल्ली के बुराड़ी के पास से पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत की 700 किलो डोडा पोस्ट जब्त की। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।